नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। तो करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ माह से वारासिवनी नगर में लगातार चुनौती दे रहे चोरों पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही पुलिस। अज्ञात चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। शातिर चोर लगातार सुने मकानों को निशाना बनाकर नकदी सहित बेशकीमती जेवरों पर हाथ साफ कर रहे हैं। वहीं घर के कीमती सामानों की भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर शातिर चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। चोरी की वारदातों के होने पर शुरुआती जांच पड़ताल के बाद अब यह मामले पुलिस फाइलों में गुम होते दिखाई पड़ रहे हैं। इन दिनों नगर में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोग बेहद परेशान हैं। गत 11 दिसंबर को जहां संपूर्ण प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी थी, इसी दिन रात्रि लगभग 8:30 बजे वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 7 कृषि मंडी के पीछे स्थित एक दुकान के सामने खड़ी MP50ML2595 नंबर की CT100 बाइक अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। लेकिन बाइक चोरी करते हुए दो युवकों की फोटो पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी अनुसार वार्ड नंबर 13 निवासी शाहिद खान की कृषि मंडी के पीछे धान खरीदी की दुकान है। 11 दिसंबर की रात लगभग 8:30 बजे शाहिद अपनी काले रंग की CT100 बाइक क्रमांक MP50ML2595 अपनी दुकान के बाजू में स्थित मीर हार्डवेयर के सामने लॉक करके खड़ी कर बालाघाट गया हुआ था। इसी बीच दो अज्ञात युवकों द्वारा उसकी गाड़ी चोरी कर ली गई। जब शाहिद रात लगभग 10:30 बजे लौटा तो उसकी बाइक गायब थी। शाहिद द्वारा आसपास पूछताछ करने पर भी बाइक का पता नहीं चल पाया। शाहिद द्वारा बाइक चोरी होने की जानकारी डायल 100 पर दी गई। घटना के एक दिन बाद 12 दिसंबर को शाहिद ने पुलिस थाने पहुंचकर बाइक चोरी होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं पास स्थित दुकान में लगे CCTV कैमरे में दिख रहे दो संदिग्धों के वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं। पुलिस अब CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे संदिग्ध युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। गाड़ी चोरी कब हुई है? 11 तारीख की रात है। कितने बजे की है? ये करीब 8:15 बजे की। कहाँ खड़ी की थी गाड़ी? ये न्यू बिल्डिंग मटेरियल के सामने। यही आपकी बाजू में मेरी दुकान है। आपकी दुकान है, कहाँ गए थे आप? जी मैं बालाघाट गया। बालाघाट गए हुए थे। जब कब लौटे आप? मैं करीब रात से 10:30 बजे लौटे। 10:30 बजे लौटे, उसके बाद आए तो देखे गाड़ी नहीं थी। पूछताछ किया? आजू बाजू में पूछताछ किया, पूछताछ में गाड़ी नहीं मिली। फिर मीनाज भाई ने अपने CCTV में फुटेज देखे तो समझ में आया कि गाड़ी 8:14 बजे से चोरों के द्वारा ले जाई गई। अच्छा, CCTV में देखी। आपने इसकी घटना शिकायत दर्ज कराई पुलिस? तुरंत में डायल 100 को कर दी थी। टीवी में चोरों की फोटो कैद होने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी लगभग 1 वर्ष पहले नगरपालिका कार्यालय के पास महिला से मंगलसूत्र लूटने वाले बाइक सवार की फोटो की बात हो या कुछ माह पहले वार्ड नंबर 3 नहर के पास स्थित दीप मोबाइल के सामने से साइकिल चोरी करने वाले युवक की फोटो भी CCTV कैमरे में कैद हो चुकी थी। बावजूद इसके पुलिस आज तक उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाई, जो पुलिस के लिए आज भी चुनौती बने हुए हैं। थाना क्षेत्र में बढ़ती घरों की चोरी और बाइक चोरी की घटनाओं पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, बल्कि चोर एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बालाघाट में 4 अरब का कर्ज है किसानों पर। कर्ज माफी हुई तो 1.25 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। बालाघाट में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दिया गया 400 करोड़ रुपयों का कर्जा है। कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वचन पत्र पर अमल करती है तो बालाघाट में किसानों के 4 अरब के ऋण माफी हो सकते हैं, जिसमें 1.25 लाख किसानों को फायदा मिल सकता है। इस मामले पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रस्तावित ऋण माफी के संदर्भ में वर्ष 31 मार्च 2018, 30 जून 2018 व 30 सितंबर 2018 की अवधि तक के अल्पकालीन, मध्यकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण की जानकारी मांगी गई है।
जिसमें 400 करोड़ का कर्ज कालातीत व चालू खाता के ऋण हैं, जिनकी संख्या 1.25 लाख है। हालांकि महाप्रबंधक ने स्पष्ट किया कि किसानों का ऋण माफी होना है को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसानों से समिति में खोले गए खातों को आधार से लिंक कराने की अपील की है, जिससे कि ऋण माफी योजना में वह शामिल हो सके। शासन के स्तर पे किसानों का कर्ज माफ किए जाने की योजना प्रस्तावित है। इस हेतु अपेक्स बैंक के स्तर से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के से एक जानकारी चाही गई है, जिसमें 31/3/2018, 30/6/2018 एवं 30/9/2018 की स्थिति पर अल्पकालीन फसल ऋण, मध्यकालीन पुनः परिवर्तित ऋण आदि की कालातीत और चालू दोनों प्रकार के बकाया ऋण की जानकारी चाही गई है, जो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ में प्राप्त की जा रही है। इस हेतु मेरे द्वारा मुख्यालय के 6 अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नियुक्त कर उनको 3-3 शाखाओं से जानकारी संकलित किए जाने हेतु निर्देश दिया गया है। आज इसी कड़ी में मेरे द्वारा समस्त शाखा प्रबंधकों की एक बैठक आहूत की गई थी, उस बैठक में भी विस्तार पूर्वक जो चाही गई जानकारी है उसके बारे में संबंधितों को क्लेरिफिकेशन ये उक्त जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त कर शासन को भेजी जा सके। कितना सर क्या स्थिति है? हाँ, लगभग मुख्यालय के जो अभिलेख हैं उनके हिसाब से जो बकाया ऋण की जानकारी है वो बालाघाट जिले की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से जो वितरित ऋण है उसका बकाया लगभग 400 करोड़ के आसपास की राशि है, और जो लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या वो लगभग 1.25 लाख के आसपास है। अभी संदर्भ में किस तरह की जानकारी कलेक्ट की जा रही है और क्या आप कैसे इनको चयन कर रहे हैं कि ये नहीं? जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में ही कहा है कि ये अभी एक प्राथमिक रूप से एक आकलन है, विस्तृत दिशा निर्देश को जब योजना निर्धारित हो जाएगी उसमें योजना के मापदंड तय हो जाएंगे उसके बाद ही किस प्रकार से वो ऋण की माफ़ी शासन के स्तर से की जाएगी, उसमें कितना कितना ऋण कृषकवार माफ़ करेंगे, क्या अधिकतम उसकी सीमा होगी, किस दिनांक का बकाया ऋण इसकी परिधि में आएगा आदि आदि जो बिंदु हैं वो योजना जब अंतिम रूप से निर्धारित हो जाएगी तभी कहा जा सकेगा। अभी एक मोटे रूप से जो बकाया ऋण है उसकी एक तस्वीर मैंने तैयार कर शासन के समक्ष में प्रस्तुत करने के लिए चाही गई है, वो तैयार की गई है। किसानों को ऋण माफ़ी योजना का लाभ दिलाने के लिए जो लाभान्वित कृषक बंधु हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि उनका जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में बचत खाता नहीं है तो वो अपना बचत खाता खुलवाएं और उस खाते को आधार से सीडिंग करें, और उसके अलावा भी जो पूर्व में खाते उनके बचत खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में हैं यदि वहाँ पर उनका आधार नंबर उससे सीड नहीं किया हुआ है तो उसको भी करवाएं, क्योंकि ये दोनों जानकारी जो वांछित रहेगी, उनका मोबाइल नंबर भी वो शाखा को उपलब्ध कराएं ताकि इस संबंध में कोई भी सूचना जो है उनको दी जाना आवश्यक हो तो यथासमय उनको दी जा सके। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।